Children, today I am asking you a question. Okay, tell me where do you live? कहाँ रहते हो आप सब? Tell me where do you live? We live in our house. हम अपने घर में रहते हैं ना? And हमारे घर में और कौन-कौन रहता है? Yes, father, papa, mummy, brother. और सिस्टर और बेबी, ओके, ये सब होते हैं फैमिली में. किसके किसी के घर में यंगर ब्रदर होता है, किसी के घर में एल्डर ब्रदर होता है ना. किसी के घर में यंगर सिस्टर होती है और किसी के घर में एल्डर सिस्टर होती है. एंड किसी किसी के घर में बेबी होता है और किसी किसी के घर में ग्रैंडपा एंड ग्रैंडमा भी होते हैं ना. तो हम सब मिलके एक घर में रहते हैं तो वो हमारी होती है फैमिली. क्या होता है? फैमिली, दैट इज आवर फैमिली. क्या होता है? फैमिली. हमारे घर में जो सब हम मिलके रहते हैं वो हमारी फैमिली है, वन फैमिली. सो वेलकम बैक टू माय चैनल, माय फर्स्ट स्टेप. माय नेम इज हरिंदर कौर एंड आई एम अ प्री प्राइमरी टीचर. सो चिल्ड्रन, आज का हमारा टॉपिक है माय फैमिली. आज हम माय फैमिली के बारे में जानेंगे सब, ठीक है? फैमिली क्या होता है आज मैम आपको बताएंगे. फैमिली, व्हाट इज फैमिली, फैमिली क्या होता है, ठीक है? चिल्ड्रन, फर्स्ट ऑफ ऑल डू वन राइम विद मी ऑन माय फैमिली. ओके, tell me, this is father, this is father, good and kind, and this is mother, this is mother, with gentle mind, and this is brother, this is brother, grown so tall, and this is sister. Yes, this is sister, never seen without a doll, and this is baby, still to grow. Okay, and that is the whole family standing in a row. So children, this is father, papa, mother, mama, brother, bhai, sister, behan, बेबी. ओके, ये सब कहाँ रहते हैं? घर में, एक घर में. और जो सब एक घर में मिलके रहते हैं वो होती है हमारी फैमिली. क्या होती है? फैमिली. और ये फैमिली कहाँ रहती है? घर में, एक ही घर में रहते हैं ना सब. सो दिस इज आवर फैमिली. Once again, do the rhyme with me. This is father, good and kind. This is mother with gentle mind. This is brother grown so tall. This is sister never seen without a doll. This is baby still to grow. And that is the whole family standing in a row. So children, this is our family. So now we will do one activity on family. We will make in our scrapbook a photo frame. एक फैमिली फोटो, ओके, एक फैमिली फोटो आपने लेना है अपना. और आपको उसके लिए चाहिए
आइसक्रीम स्टिक्स, कलर्स एंड ग्लू एंड ग्लिटर्स, ओके, दीज ऑल थिंग्स यू नीडेड. सो हम अब करेंगे एक्टिविटी. वी विल मेक अ फैमिली फोटो फ्रेम इन अ स्क्रैप बुक. स्क्रैप बुक में हम एक फैमिली फोटो फ्रेम बनाएंगे. ओके, लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू पेस्ट अ फैमिली फोटो हियर. ओके, यू कैन टेक योर फैमिली फोटो एंड पेस्ट हियर लाइक दिस. आई एम शोइंग यू. अपना फैमिली का फोटो लेना है आपने. मैंने इस फोटो को बनाया है तो आप अपना फैमिली का ओरिजिनल फोटो ले सकते हो. ठीक है, तो आपने इसमें फेविकोल लगाना है और इसको आपने इस पेज के बीच में पेस्ट कर देना है लाइक दिस. ये फोटो हमने पेस्ट कर लिया. देन आपने आइसक्रीम स्टिक्स लेने हैं. ओके, ये आइसक्रीम स्टिक है, इसको मैंने कलर कर लिया. लुक हियर, दिस इज द आइसक्रीम स्टिक और मैंने इसको ग्रीन कलर किया है. फिर आपने क्या करना है, अपना आइसक्रीम स्टिक को ग्लू लगाना है. लाइक दिस, एंड इसको पेस्ट करोगे आप यहां पे लाइक दिस. ओके, एक और स्टिक लेनी है, फिर आप उसको दूसरी साइड पेस्ट करोगे, ग्लू लगाएंगे यहां पे और इसको पेस्ट कर लेंगे अनदर साइड लाइक दिस. ओके, देन आफ्टर टेक वन मोर स्टिक, ग्लू लगाओ उसको और इसको हम पेस्ट करेंगे यहां पे लाइक दिस. एक और स्टिक लेंगे और उसको हम दूसरी साइड पेस्ट कर देंगे. कैसे, लाइक दिस. ठीक है, ऐसे. और अब हम एक थोड़ी पतली वाली आइसक्रीम स्टिक ले रही है. इस स्टिक को मैं, आप सेम साइज की स्टिक भी ले सकते हो, मेरे पास नहीं थी तो मैंने ये पतली वाली स्टिक लगाई है. आप सेम साइज की भी लगा सकते हो और अगर छोटे साइज की है तो वो भी लगा सकते हो. इसको अच्छे से ग्लू लगाना है सो दैट वो पेस्ट हो जाए लाइक दिस. ओके, तो ये आपका फैमिली फोटो फ्रेम हो गया. ठीक है, यहां पे मैंने पेंसिल के शेव, जब हम पेंसिल शार्प करते हैं तो शेवर्स निकलते हैं ना, वो सब यहाँ पे पेस्ट किए मैंने. ओके, अगर आपके पास ग्लिटर है या ग्लिटर वाली ट्यूब है, कुछ भी है, वो आप यहाँ पे लगा सकते हो. ठीक है, मेरे पास ये है स्पार्कल ग्लिटर, गोल्ड कलर है ये. देखो यहां पे मैं इसको ग्लिटर्स लगाऊंगी. आप इसको कैसे भी डेकोरेट कर सकते हैं. ठीक है, तो ये आपकी एक फैमिली फोटो फ्रेम हो गया.